Hi guys, welcome to my YouTube channel. हमने अभी logistic regression पढ़ा, which was a classification algorithm. और हम लोग आगे भी कई और classification algorithms पढ़ेंगे. The question is this, कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी particular algorithm का performance कैसा है? So जिस तरीके से हमने regression के case में regression matrix पढ़े थे, जो ये बताने में help करते हैं कि कौन सा model कैसा perform कर रहा है. सिमिलरली क्लासिफिकेशन के केस में भी कुछ मैट्रिक्स होते हैं जिनको हम क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स बोलते हैं और वो हमें गाइड करते हैं कि कोई क्लासिफिकेशन मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है. इस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने भी क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स पॉसिबल है वो सब कुछ एक एक करके पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो देर आर अ लॉट ऑफ क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स. देर इज एक्यूरेसी, देर इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स, देर इज प्रिसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ROC, AUC, मतलब बहुत सारे हैं. मतलब इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि रिग्रेशन मैट्रिक्स से ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स पढ़ना. तो काफी चीजें हमें पढ़नी है और वी विल स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, दैट इज एक्यूरेसी. ठीक है, पहले हम लोग एक्यूरेसी की बात करते हैं. सो एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्यूरेसी को समझने का ट्राई करते हैं. मान लो हमारे पास एक डेटा सेट है जो हम लोग अभी तक हमेशा लेते आए हैं कि हमारे पास स्टूडेंट का CGPA है, हमारे पास स्टूडेंट का IQ है और हमारे पास ये भी डेटा है कि उनका प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ. और ऐसा हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है. अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपने डेटा में ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया और अपने डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ट्रेनिंग सेट और एक टेस्टिंग सेट. अभी ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास ट्रेनिंग सेट में 800 स्टूडेंट्स का डेटा था जिसको यूज करके हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे और टेस्ट सेट में 200 स्टूडेंट्स का डेटा था जिसके ऊपर हमें प्रिडिक्शन करना है, हमें पता करना है कि हमारा मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है. फिर मैंने क्या किया, मैंने दो अलग क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स यूज किए मॉडल बनने के लिए. पहला था लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो हमने अभी पढ़ा है और दूसरा था डिसीजन ट्रीज. ये भी एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम होता है, हम लोग कुछ दिनों के बाद इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, अब हमने इन दोनों मॉडल्स को ट्रेन किया हमारे ट्रेन वाले डेटा के ऊपर और फिर जब मॉडल ट्रेन हो गया तो मैंने दोनों मॉडल्स को पकड़ा और टेस्ट डेटा के ऊपर चला के प्रिडिक्शंस निकाले. ठीक है, अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि वो प्रिडिक्शन ये है, इस चार्ट में दिखाई दे रहा है. ठीक है, सो यू कैन सी यहां पे तीन कॉलम्स हैं. पहला कॉलम बता रहा है एक्चुअल लेबल, मतलब ये एक्चुअल डेटा है उन 200 स्टूडेंट्स का जो टेस्ट के अंदर थे और ये बता रहा है कि उन स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट एक्चुअली हुआ या नहीं हुआ. सो क्लियरली ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसका प्लेसमेंट हो गया, सेकंड वाले का नहीं हुआ एंड सो ऑन. ऑब्वियसली यहाँ पे 200 स्टूडेंट्स नहीं दिखाए हैं, मैंने सिर्फ 10 स्टूडेंट्स दिखाए हैं. तो आप मान लो कि 200 स्टूडेंट्स का डेटा है. ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड कॉलम है ये प्रिडिक्शन है लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाले मॉडल का. सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल पहले स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया या होना चाहिए. ठीक है, दूसरे स्टूडेंट का प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तीसरे स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए. ये प्रिडिक्शन है मेरे लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल का. फिर मेरे पास जो सेकेंड मॉडल था मैंने उसके भी प्रिडिक्शंस कैलकुलेट किए और उसके हिसाब से भी पहले स्टूडेंट का प्लेसमेंट होना चाहिए, दूसरे का भी होना चाहिए, तीसरे का नहीं होना चाहिए. राइट, अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे कोई पूछ ले ये टेबल दिखा करके कि बताओ दोनों में से कौन सा मॉडल ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है टेस्ट डेटा के ऊपर, तो आप क्या करोगे? एकदम एब्सोल्यूट सेंस में अगर हम किसी बच्चे को भी एक क्वेश्चन पूछें तो वो भी आपको बता पाएगा कि हम ये पता करेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन कितनी बार गलती कर रहा है, या फिर हम ये पता करेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन कितना एक्यूरेट है, कितनी कम गलतियां कर रहा है. और सेम चीज हम डिसीजन ट्रीज के साथ भी करेंगे और उन दोनों नंबर्स को हम कंपेयर कर देंगे. सो इन शॉर्ट मैं क्या करूंगा, मैं हर स्टूडेंट के लिए पता करूंगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने गलती की या नहीं की. ठीक है, सो यहां पर यू कैन सी कि अगर आप फर्स्ट स्टूडेंट का बात करो तो फर्स्ट स्टूडेंट के केस में उसका प्लेसमेंट हुआ था, मेरा मॉडल बोल रहा है प्लेसमेंट हो जाना चाहिए, यहां पे कोई गलती नहीं है, सही है. सेकंड स्टूडेंट के केस में यू कैन सी मेरा मॉडल गलती कर रहा है, एक्चुअल डेटा के हिसाब से स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं हुआ बट मेरा मॉडल बोल रहा है उसका प्लेसमेंट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगा दूंगा. ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट के हिसाब से सही है, सही है, सही है, सही है, फिर से गलत है, सही है, सही है, सही है.
अब मुझे अगर पता करना है कि मेरा ये मॉडल कितना एक्यूरेट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस निकाल लूंगा, और यही मेरा होता है एक्यूरेसी, या फिर एक्यूरेसी स्कोर हम इसी को बोलते हैं. सो इस केस में क्लियरली यू कैन सी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस 10 है, और उसमें से सही कितने हैं, 8. तो इस मॉडल का एक्यूरेसी कितना हो गया, 0.8, या फिर आप बोल सकते हो 80% एक्यूरेट है. इसका मतलब अगर आप इसको 1000 नए स्टूडेंट्स का प्रिडिक्शन करने को बोलोगे, तो ये 80 टाइम्स सही प्रिडिक्शन करेगा, एंड दैट इज व्हाट एक्यूरेसी स्कोर इज. सिमिलरली हम सेकंड वाले के लिए भी कर सकते हैं. सो यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे गलत है, सही है, सही है, सही है. इस केस में सिर्फ एक गलती हो रही है, तो आपका डिसीजन ट्री 9/10 का एक्यूरेसी दे रहा है, मतलब 90%. सो अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करो, तो आप बोल सकते हो कि डिसीजन ट्री इज परफॉर्मिंग बेटर ऑन दिस डेटा इन कंपैरिजन टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एंड दैट इज हाउ यू मेजर एक्यूरेसी. बेसिकली जितने भी आपने प्रिडिक्शंस किए, उसमें से सही प्रिडिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस. ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं कि आप scikit-learn में ये काम कैसे करोगे. मैंने एक डेटा सेट लिया है heart.csv, ये एक बहुत फेमस डेटा सेट है हार्ट डिजीज के ऊपर, और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है ऑब्वियसली. सो अलग अलग कॉलम्स हैं, और ये सारे बेसिकली बायोलॉजिकल जो भी मेट्रिक्स होते हैं उनके बेसिस पे है, एज, सेक्स, थ्रेशोल्ड, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब है. और एंड में आपको बस बताना है कि उस पेशेंट को हार्ट डिजीज है या नहीं है. सो 1 का मतलब हार्ट डिजीज है, 0 का मतलब नहीं है. सो मैंने सबसे पहले मॉडल को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, मैंने दोनों एल्गोरिथम्स को कॉल किया, दो अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए, दोनों को सेम डेटा के ऊपर ट्रेन किया. वाइप 1 मैंने एक्स टेस्ट दिया पहले मॉडल को, और एक्स टेस्ट दिया दूसरे मॉडल को, और प्रिडिक्शंस निकाली. और फिर यहां पर यू कैन सी मैंने एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन को कॉल किया sklearn.metrics से, और जब मैंने एक्यूरेसी निकाला इन दोनों मॉडल का, तो यू कैन सी मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल इज परफॉर्मिंग बेटर. इट इज गिविंग मी एन एक्यूरेसी स्कोर ऑफ 90%, वेयर एज डिसीजन ट्री सिर्फ 81% एक्यूरेसी दे रहा है. ठीक है, सो यहां पे जो डिस्कशन हमने किया, उससे हमें ये समझ में आता है कि एक्यूरेसी स्कोर इज अ मेट्रिक जिससे आपको एब्सोल्यूट सेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता चल जाएगा कि आपका मॉडल कैसे बिहेव कर रहा है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, साथ ही साथ आप उसको किसी दूसरे मॉडल के साथ कंपेयर भी कर सकते हो. तो एक्यूरेसी स्कोर बहुत सारे सिनारियोज में बहुत काम का मेट्रिक है. इनफैक्ट दिस विल बी द फर्स्ट मेट्रिक जिसके पास आप जाओगे क्लासिफिकेशन करने के बाद. बट कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं एक्यूरेसी स्कोर में, जिसकी वजह से हम लोग कुछ और मेट्रिक्स यूज करते हैं, वो आगे का डिस्कशन है. उसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहता हूं. ये जो हमने बात की, यहां पर हमने बात की है बाइनरी क्लासिफिकेशन की. बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब मेरे डेटा में सिर्फ 2 क्लासेस थे, 0 और 1, हार्ट डिजीज है और हार्ट डिजीज नहीं है. व्हाट इफ मेरे डेटा में 2 से ज्यादा क्लासेस हो, मतलब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के केस में एक्यूरेसी स्कोर कैसे निकाला जाता है, ये हमें डिस्कस करना है. सो मैंने एक और एग्जांपल लिया है. अब ये एक्चुअली आयरिस डेटा सेट के ऊपर लिया हुआ एग्जांपल है. इस बार आपको फिगर आउट करना है कि जो फ्लावर आपके पास है वो कौन से स्पीशी का है. इज इट सेटोसा और वर्जिनिका और वर्सी कलर. ठीक है, सो सेटोसा मतलब 0, वर्जिनिका मतलब 1, वर्सी कलर मतलब 2. ठीक है, अब फिर से मैंने जब एल्गोरिदम लगाया, तो यू कैन सी मान लो मेरे टेस्ट डेटा में यही 10 रिजल्ट्स थे, और ये रहा मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का आउटपुट यहां पर, और ये रहा मेरा डिसीजन ट्री का आउटपुट यहां पर. अब क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कॉमन सेंस से कि कुछ भी डिफरेंट आपको करना नहीं है, आपको फिर से बस चेक करते जाना है कि प्रिडिक्शन सही है या गलत है. सो यू कैन सी इस केस में मेरे सारे ही प्रिडिक्शंस सही हैं. तो मैं लिखूंगा एक्यूरेसी स्कोर इन दिस केस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस. सो इस केस में 10/10 एज इन 1 एज इन 100% एक्यूरेट है मेरा मॉडल. सो इन शॉर्ट मेरे को बस आपको ये दिखाना था कि आप
बाइनरी क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल लो या मल्टी क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल लो, दोनों ही केसेस में एक्यूरेसी स्कोर निकालने के प्रोसीजर में कोई भी चेंज नहीं होता, सेम फिलॉसफी सेम लॉजिक अप्लाई होता है और एक्यूरेसी स्कोर कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। सो आई होप एक्यूरेसी स्कोर आपको समझ में आ गया, इट्स वेरी सिंपल वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब कुछ डिस्कशन करते हैं एक्यूरेसी स्कोर के अराउंड। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जो मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था, क्योंकि उससे किसी ने इंटरव्यू में पूछा था, और क्वेश्चन ये था कि उस स्टूडेंट से एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि बताओ बेटा एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, मतलब उसने एक सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन पूछ दिया कि एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, कितना एक्यूरेसी ठीक है। तो सिंस मेरा स्टूडेंट जो था वो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था और उसने बहुत ज्यादा मशीन लर्निंग में पढ़ाई नहीं किया था, उसको लगा कि जितना हायर नंबर बोलूंगा शायद आंसर सही होगा। सो ही सेड कि सर 95% एक्यूरेसी होना ही चाहिए, एंड गेस व्हाट, वो आंसर गलत है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक्यूरेसी स्कोर कितना होना चाहिए, इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब ये होगा कि आपको बोलना चाहिए कि इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम दैट वी आर सॉल्विंग, मतलब जिस डेटा के ऊपर आप काम कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है एक्यूरेसी स्कोर कितना होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आप एक सिस्टम बना रहे हो एक हॉस्पिटल के लिए, जहां पे आप चेस्ट इमेज का एक्सरे को स्कैन करके प्रिडिक्ट करोगे कि उस बंदे को कैंसर है या नहीं, ठीक है। और आपने जो मॉडल बनाया उसका एक्यूरेसी था 99%, मतलब अगर आप 100 इमेजेस दिखा रहे हो तो 99 टाइम्स आपका मॉडल करेक्टली कैंसर प्रिडिक्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप इस मॉडल को डिप्लॉय कर दोगे, क्या आप इस मॉडल को किसी हॉस्पिटल को बेचोगे या फिर कोई हॉस्पिटल ये मॉडल आपसे खरीदेगा। आंसर इज नो, कोई भी नहीं खरीदेगा, बिकॉज ये मॉडल बहुत ही खराब है। 99% एक्यूरेसी इज बैड। कैसे? 100 पेशेंट्स की बात कर रहे हो, उसमें एक बार आप गलती कर रहे हो, इसका मतलब देयर इज अ चांस कि 100 में से एक पेशेंट मर जाए, तो आप एक जान नहीं गवा सकते। दैट इज लाइक टू लो ऑफ एक्यूरेसी, यू कैन नॉट डिप्लॉय दिस मॉडल। एक और एग्जांपल, आप सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए मॉडल बना रहे हो कि राइट लेना चाहिए या लेफ्ट लेना चाहिए, आपका मॉडल 99% एक्यूरेट है, मतलब 100 बार अगर गाड़ी रोड पे उतर रही है तो एक बार गलती कर रही है, एक बार एक्सीडेंट कर रही है, तो क्या आप इसको डिप्लॉय करोगे? नहीं, आप डिप्लॉय नहीं करोगे, ठीक है। वेयर एज एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आप स्विगी के लिए एक मॉडल बिल्ड कर रहे हो कि कोई पर्टिकुलर कस्टमर का पूरे मंथ का बिहेवियर देख करके आप ये प्रिडिक्ट करना चाहते हो कि वो इस वीकेंड पे किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करेगा या नहीं करेगा। अब यहाँ पे अगर आप 80% भी एक्यूरेट हो तो आप मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हो, मतलब कुछ खास नुकसान नहीं है। 100 कस्टमर्स में से 20 कस्टमर्स में आपका मॉडल गलती करेगा, बट स्टेक्स उतने हाई नहीं है, तो आप 80% पे भी डिप्लॉय कर सकते हो। सो अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक्यूरेसी स्कोर कितना होना चाहिए, इसका कोई सेट जवाब नहीं है, इसका एक ही जवाब होना चाहिए कि इट डिपेंड्स ऑन योर मॉडल, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग, और डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब कुछ यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कम्स दिस टॉपिक कि एक्यूरेसी स्कोर ऑल्दो एक बहुत बढ़िया मेट्रिक है तुरंत ये बताने के लिए कि आपका मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ एक प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। एक्यूरेसी स्कोर एक नंबर देता है आपको, आप बोलते हो 90% एक्यूरेट, ठीक है। अब 90% एक्यूरेट है तो मतलब 10% गलतियां हो रही है। एक्यूरेसी स्कोर आपको ये नहीं बताता है कि आपके गलती का टाइप क्या है। समझने का ट्राई करना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम लेते हैं कि मान लो आपके पास दो क्लासेस हैं। क्लास वन इज कि पेशेंट को डिजीज है, या फिर स्टूडेंट वाला एग्जांपल ले लेते हैं, स्टूडेंट का प्लेसमेंट होगा और स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं होगा। अब सोच के देखो, ये जो 10% गलती मेरा मॉडल कर रहा है, ये दो टाइप की गलती हो सकती है। सोच के देखो, ये दो टाइप की गलती हो सकती है। पहली गलती क्या हो सकती है कि किसी स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था बट मेरा मॉडल बोला कि प्लेसमेंट नहीं होगा, ये एक टाइप की गलती है। दूसरे टाइप की गलती क्या है कि उस स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं हुआ था बट मेरा मॉडल बोला प्लेसमेंट होगा, ये दूसरे टाइप की गलती है, ठीक है। अब एक्यूरेसी स्कोर आपको ये नहीं बताता है कि ये वाली गलती कितनी हुई है और ये दूसरी वाली गलती कितनी हुई है। आपका एक्यूरेसी स्कोर आपको सिर्फ इतना बताएगा कि गलती हुई है, 10% टाइम्स गलती हुई है, बट पहली वाली गलती या दूसरी वाली गलती ये आपको नहीं बताया जाता। एक और एग्जांपल लेते हैं, हार्ट डिजीज है,
लेकिन आपका मॉडल बोल रहा है हार्ट डिजीज नहीं है, ये एक टाइप की गलती है। दूसरी गलती है हार्ट डिजीज नहीं है और आपका मॉडल बोलता है आपको हार्ट डिजीज है। फिर से एक्यूरेसी से आपको ये नहीं समझ में आएगा कि पेशेंट को कौन सी, मतलब पेशेंट कौन सी चीज पे गलती हो रही है, मॉडल पेशेंट के कौन सी चीज पे गलती कर रहा है, राइट। तो ये नेचर ऑफ मिस्टेक आपको एक्यूरेसी स्कोर नहीं बताता। और यहीं पर आता है दूसरा मेट्रिक क्लासिफिकेशन में जो बहुत यूजफुल होता है, और वो एक्यूरेसी स्कोर का ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई करता है, और इस मेट्रिक को बोला जाता है कंफ्यूजन मेट्रिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कंफ्यूजन मेट्रिक्स क्या होता है। सो गाइस, कंफ्यूजन मेट्रिक्स पढ़ने के पहले और समझाने के पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कंफ्यूजन मेट्रिक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है यूजिंग scikit-learn। एक बार जब आप उसको देखोगे तब फिर उसको समझाने में ज्यादा इजी रहता है। सो गाइस, दिस इज द सेम प्रॉब्लम हार्ट डिजीज वाला। हमने इसमें एक्यूरेसी कैलकुलेट किया था, 90% आ रहा था लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में और 81% आ रहा था आपका डिसीजन ट्रीज के केस में। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स को इंपोर्ट करना है sklearn.matrix से, और उसके बाद बस आपको लिखना होता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और यहां पे आपको पास करना होता है वाई टेस्ट, ट्रू लेबल्स और वाई प्रेड वन, आपके एल्गोरिदम के प्रिडिक्शंस। और इसको जब आप रन करते हो तो आपको ये एक एरे मिल रहा है 26, 6, 0 और 29। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके सोचने का ट्राई करो कि ये क्या हो सकता है, ये चार नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि ये चार नंबर्स क्या है। सो ये एक इमेज है जो मैंने गूगल से उठाया है, और ये एक्चुअली कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, दिस इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। सो यहां पर आप हमेशा क्या करते हो कि आपका टॉप पे प्रिडिक्टेड वैल्यूज होती हैं या प्रिडिक्शंस होते हैं, और यहां पर एक्चुअल वैल्यूज होती हैं, ठीक है। आप कुछ वीडियोस या कुछ बुक्स में देखोगे कि इसका उल्टा होगा, ऊपर यहां पर एक्चुअल होगा और यहां पे प्रिडिक्टेड होगा। बट मैं कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसके लिए मैंने scikit-learn में जो बोला गया वही लिया है। scikit-learn में उन लोगों ने प्रिडिक्टेड को नीचे रखा है या जिन ऊपर रखा है, और ट्रू लेबल को यहां पे रखा है। तो मैंने सेम नोमेनक्लेचर यूज किया है कि प्रिडिक्टेड वैल्यूज ऊपर है, एक्चुअल वैल्यूज नीचे हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं यहां पे जा रहा हूं और इन वैल्यूज को यहां पे फिल कर ले रहा हूं, 26, 6, 0, 29। सो आई वुड राइट 26, 6, 0, 29, ठीक है। अब देखते हैं ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो प्रिडिक्शन में यहां पे सबसे पहले वन है, एज इन पॉजिटिव लेवल, मतलब हार्ट डिजीज है, मतलब हार्ट डिजीज प्रिडिक्ट हुआ, और ये है हार्ट डिजीज प्रिडिक्ट नहीं हुआ। ये है कि उस पेशेंट को सच में हार्ट डिजीज है, और ये है कि उस पेशेंट को हार्ट डिजीज नहीं है। तो सोच के देखो गाइस, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके मॉडल ने 26 लोगों को बोला कि उनको हार्ट डिजीज है और उनको सच में हार्ट डिजीज था, ठीक है। ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके मॉडल ने बोला कि 29 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हार्ट डिजीज नहीं है और उनको सच में हार्ट डिजीज नहीं था, ठीक है। तो इन अ वे बोला जा सकता है कि ये दोनों करेक्ट प्रिडिक्शन है। अब हम इसकी बात करते हैं, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 6 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में मेरे मॉडल ने बोला कि उनको हार्ट डिजीज नहीं है, बट सच में अगर बात करें तो उनको हार्ट डिजीज था। एक ये मिस्टेक हो गया। और अगर आप इसकी बात करो तो आप बोल सकते हो कि मेरे मॉडल ने एक भी ऐसे पेशेंट को नहीं पकड़ा, एक भी प्रिडिक्शन ऐसा नहीं किया कि हार्ट डिजीज है पेशेंट को जिनको हार्ट डिजीज नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो इन अ वे मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज अ वे टू टेल कि आपका मॉडल दोनों टाइप की गलतियां कितने कितने अमाउंट में कर रहा है। एक्यूरेसी स्कोर का प्रॉब्लम क्या था, सिर्फ बता रहा था कि कितनी गलती हो रही है, गलतियों का टाइप नहीं बता रहा था, गलतियों का नेचर नहीं बता रहा था। यहां पे आपका जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है वो आपको गलतियों का नेचर या गलतियों का टाइप भी बताता है। अब यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए,
मैं एक बार आपको जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ ये टर्मिनोलॉजी. सो चार टर्म्स आपको याद रखने होते हैं और ऑनेस्टली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बट अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग में कुछ चीट कोड डाल दो तो फिर उतना प्रॉब्लम नहीं होगा. सो अगर एक्चुअली में वन है, डेटा में अगर वन है और आपका मॉडल भी वन बोल रहा है, तो आप बोलते हो ट्रू पॉजिटिव. ठीक है, अगर आपके मॉडल ने बोला वन है बट वो वन नहीं था, तो आप उसको बोलते हो फॉल्स पॉजिटिव. ठीक है, तो ये पॉजिटिव वर्ड जो है ये कहां से आता है? प्रिडिक्शन से. अगर प्रिडिक्शन वन है तो पॉजिटिव वर्ड यूज करोगे. अब उसके आगे ट्रू लगेगा या फॉल्स लगेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक्चुअली वो जो डेटा पॉइंट था वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था. सो ये हमेशा याद रखना कि ये दो वर्ड से मिलके बना है, और जो पॉजिटिव वर्ड है वो कहां से आ रहा है? कि इसका प्रिडिक्शन पॉजिटिव है, वन है. और उसके आगे अब ट्रू लगेगा या फॉल्स लगेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो पॉइंट सच में ट्रू था या फॉल्स था. सो अगर आपके पास एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपने वन बोला और वो सच में वन था, तो वो ट्रू पॉजिटिव हो गया. अगर आपने एक पॉइंट को वन बोला बट वो सच में जीरो था, तो वो फॉल्स पॉजिटिव हो गया. ठीक है, अब अगर हम यहां पे बात करें फॉल्स नेगेटिव क्या होता है. सो फॉल्स नेगेटिव वो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपके मॉडल ने बोला कि ये नेगेटिव है, जीरो है, बट सच में वो पॉजिटिव निकले, तो दैट इज फॉल्स पॉजिटिव. ठीक है, और ट्रू नेगेटिव क्या होता है? वो पॉइंट्स जिनके बारे में आपके मॉडल ने बोला कि ये नेगेटिव है, एज इन जीरो है, और सच में भी वो जीरो ही निकले, दैट इज ट्रू नेगेटिव. तो हमेशा याद रखना ये जो सेकेंड वाला वर्ड होता है ये रिप्रेजेंट करता है प्रिडिक्शन को, और जो फर्स्ट वाला वर्ड होता है ये रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल वैल्यूज को. ठीक है, अब अगर जल्दी से एक एक्सरसाइज हम लोग करें कि सोच के बताओ विदाउट देखे कि वन मॉडल ने प्रिडिक्ट किया बट सच में वो जीरो था, तो क्या होगा? वन प्रिडिक्ट किया मतलब पॉजिटिव होगा, और एक्चुअली वो जीरो था मतलब फॉल्स पॉजिटिव होगा. ठीक है, यहां पे आएगा वो चीज. तो बस बहुत सिंपल है, खुद को बस समझा देना है और आपको फिर उसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होगा. सिंपल सा एक चीट कोड हमने रख लिया. अब अगर आप देखो तो एक्यूरेसी स्कोर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बहुत काम की चीज है. अगर आपके पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स है तो आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स को यूज करके एक्यूरेसी स्कोर भी निकाल सकते हो, बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है. आप एक्यूरेसी स्कोर देख करके कंफ्यूजन मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते. ठीक है, सो मैं आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स से एक्यूरेसी स्कोर निकाल के बताता हूं. एक्यूरेसी स्कोर जो होगा वो क्या होगा, सोच के देखो. एक्यूरेसी स्कोर क्या होता है? नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस. तो करेक्ट प्रिडिक्शंस क्या है? ये दोनों जो ग्रीन एरिया है, तो मतलब आप लिखोगे ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय चारों चीजें. ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, एंड दिस इज योर एक्यूरेसी स्कोर. दिस इज योर एक्यूरेसी स्कोर. ठीक है, दिस इज योर एक्यूरेसी स्कोर फॉर दिस कंफ्यूजन मैट्रिक्स. ठीक है, तो बहुत काम की चीज है कंफ्यूजन मैट्रिक्स. आई गेस आपको यहां तक समझ में आ गया. अब दो टर्म्स आपको और हमेशा याद रखने हैं. पहला, टाइप वन एरर किसको बोलते हैं, और दूसरा टाइप टू एरर किसको बोलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप वन एरर एंड टाइप टू एरर? तो ध्यान से देखो, आपके पास अगर एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स है तो द नंबर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव, द नंबर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव इज द टाइप वन एरर. फॉल्स पॉजिटिव को ही टाइप वन एरर बोला जाता है. मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइप वन एरर. फॉल्स पॉजिटिव मतलब अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसके बारे में हमने बोला कि उसको हार्ट डिजीज है बट सच में उसको नहीं था, तो दैट इज अ टाइप वन एरर. ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ रहा है. बहुत सिंपल है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. कभी भी अगर आपका मॉडल बोल रहा है पॉजिटिव वन बट सच में वो जीरो है, तो ये टाइप वन एरर है. सिंपल सी बात है. और इसका ठीक उल्टा होता है टाइप टू एरर. फॉल्स नेगेटिव को आप टाइप टू एरर बोलते हैं, इसको आप टाइप टू एरर बोलते हो. मतलब अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसके बारे में आपने बोल दिया कि उसको हार्ट डिजीज नहीं है बट सच में उसको हार्ट डिजीज था, तो इसको हम बोलते हैं टाइप टू एरर. ठीक है, मतलब आपके मॉडल ने बोला जीरो बट सच में अगर बोला जाए तो वो वन था, तो दैट इज टाइप टू एरर. तो हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि फॉल्स पॉजिटिव इज टाइप वन
एंड फॉल्स नेगेटिव इज टाइप टू. ठीक है, बस इतना आपको अगर याद रहेगा तो फिर आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, अब लेट्स क्विकली डिस्कस कि अगर आपके पास एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है जिसमें दो से ज्यादा क्लास है, जीरो और वन के अलावा एक टू भी है, तो फिर आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसा दिखाई देगा. अगर ये देखना है आपको तो मैं आपको फिर से आयरिस वाला प्रॉब्लम दिखाता हूं. ये मेरा आयरिस वाला प्रॉब्लम है और इसके ऊपर भी मैंने सेम काम किया है. मैंने दो मॉडल्स ट्रेन किए हैं, एक है लॉजिस्टिक रिग्रेशन और एक है डिसीजन ट्री. बहुत सिंपल है. अब यहां पे अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं तो ये देखो गाइस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये है. सी, सो यहां पे ऊपर वाली साइड दिस इज द प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड दिस इज रो के हिसाब से एक्चुअल वैल्यू. सो अगर मैं इसको यहां पे लिख लूं, मतलब चलो मैं अपने खुद से बना लेते हैं एक, मान लो हमारे पास एक प्रिडिक्टेड की बात अगर हम करें, मान लो हमारे पास तीन क्लासेस हैं, जीरो वन और टू, और यहां पे भी जीरो वन और टू, और ये हमारी एक्चुअल वैल्यूज हैं. सो अब इस केस में आपका जो मैट्रिक्स होगा वो थ्री क्रॉस थ्री होगा. इस केस में आपका जो मैट्रिक्स होगा थ्री क्रॉस थ्री होगा. बाइनरी क्लासिफिकेशन के केस में आपके पास जो मैट्रिक्स होगा वो टू क्रॉस टू होगा. सो बेसिकली आपकी जितनी क्लासेस हैं उतना ही आपका स्क्वायर मैट्रिक्स उतने ही नंबर का होगा. ठीक है, सो मान लो यहाँ पे है 7, 21, 13, 0, 5, 6, 2, 9, 1. ठीक है, जस्ट वन सेकेंड, इसको थोड़ा क्लियरली लिख लेते हैं. सो यहां पर भी आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली किसी भी नंबर के बारे में पता कर सकते हो. सो 7 क्या है? सो मेरे मॉडल के हिसाब से 7 इंस्टेंसेस जीरो क्लास में जाने चाहिए थे और वो सच में भी जीरो क्लास में गए. ठीक है, ये नंबर क्या बता रहा है? मेरे मॉडल के हिसाब से दो इंस्टेंसेस ऐसे थे जो मेरे मॉडल को लगा कि जीरो क्लास में जाने चाहिए थे बट एक्चुअली वो वन क्लास वाले थे. ठीक है, ये नंबर क्या बता रहा है? मेरे मॉडल के हिसाब से 9 इंस्टेंसेस ऐसे थे जो मेरे मॉडल को लगा कि वो जीरो क्लास में जाने चाहिए बट वो क्लास टू के मेंबर्स थे. ठीक है, ये क्या बता रहा है? मेरे मॉडल के हिसाब से कोई भी ऐसा इंस्टेंस नहीं था जो उसको लगा वन का होना चाहिए और एक्चुअली वो जीरो का है. ठीक है, मेरे मॉडल के हिसाब से 21 इंस्टेंसेस ऐसे थे जो उसको लगा क्लास वन में जाने चाहिए और वो रियलिटी में भी क्लास वन में थे. और इसी तरीके से आप बाकी सबको भी हैंडल कर सकते हो. और इसी तरीके से यहां पर भी आप अगर एक्यूरेसी स्कोर निकाल ले जाओ तो आपको क्या करना है, ये डायगनल एलिमेंट जो है, ये जो डायगनल एलिमेंट्स हैं ये हैं आपके ट्रू प्रिडिक्शंस, सही प्रिडिक्शंस हैं ये. अगर आप इसको डिवाइड कर दो टोटल से, सारे नंबर्स को ऐड कर दो, तो यहां पर भी आप बहुत इजीली एक्यूरेसी कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, अब यहां पे 3x3 के केस में प्रिसीजन, टाइप टू एरर और टाइप वन एरर कैसे निकालना है वो हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे. बट फॉर नाउ बस इतना समझ लो कि 3x3 मैट्रिक्स, अगर मतलब आपके पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है विद थ्री क्लासेस तो इस तरीके से निकलता है. सिमिलरली अगर आपके पास 10 क्लासेस है तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो 10x10 का बनेगा. ठीक है, मतलब ये भी मैं आपको दिखाई देता हूँ. तो यहाँ पे मैंने एमनेस्ट वाला जो डेटा सेट था उसके ऊपर ये सेम काम किया. मैं आपको जल्दी से बना के दिखाता हूँ. यू कैन सी दिस इज द सेम एमनेस्ट डेटा सेट. इसके ऊपर भी मैंने दो मॉडल्स ट्रेन किए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन डिसीजन ट्री, और दोनों मॉडल्स को मैंने ट्रेन किया और दोनों का मैंने एक्यूरेसी स्कोर और कंफ्यूजन मैट्रिक्स दोनों प्लॉट किया. मैं आपको दोनों दिखाता हूं. ट्रेन हो रहा है मॉडल, थोड़ा टाइम लग रहा है, वी कैन वेट. मॉडल ट्रेन हो गया, प्रिडिक्शंस कैलकुलेट किए, ये रहा हमारा एक्यूरेसी स्कोर. लॉजिस्टिक रिग्रेशन आउट परफॉर्म कर रहा है डिसीजन ट्री को 91% और यहां पे 85%. और अगर हम प्लॉट करें लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कंफ्यूजन मैट्रिक्स, दिस इज द कंफ्यूजन मैट्रिक्स. यहाँ पे आप किसी भी नंबर को पकड़ो, जैसे ये 36 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि 36 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पे मेरे मॉडल को लगा कि वो इमेज 5 है बट एक्चुअली वो इमेज 3 था, गलती है बेसिकली. ठीक है, और यहाँ पे जो डायगनल एलिमेंट्स है सारे ये आपके करेक्ट प्रिडिक्शन है. ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है, सिंस यहाँ पे 10 क्लासेस है 0 से लेके 9 तक,
यहाँ पे आपकी जो मैट्रिक्स बन रहा है वो 10x10 का बन रहा है, ठीक है। तो अगेन ये नोटबुक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप एक बार थोड़ा इसके साथ एक्सपेरिमेंट करोगे आपको थोड़ा और आइडिया लगता जाएगा, ठीक है। अब अगली बात करते हैं और वो है ये कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्यूरेसी हमेशा यूजफुल नहीं होता। तो एक पर्टिकुलर केस जहां पे एक्यूरेसी इज मिसलीडिंग, मतलब आपसे गलती करवा देगा एक्यूरेसी, वो केस हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, देर विल बी सर्टेन डेटा सेट्स जिसके ऊपर एक्यूरेसी आपको उल्टा खराब रिजल्ट देगा और आप गलती करने लग जाओगे, क्योंकि एट द एंड आपने पूरी मेहनत की बट अगर आपने मेट्रिक्स ही गलत चूज किया तो आपका मॉडल अच्छा काम नहीं करेगा, ठीक है। सो कब ऐसा होता है, जब एक्यूरेसी मिसलीडिंग होता है। बहुत सिंपल एक सिनेरियो होता है और वो होता है इम्बैलेंस डेटा सेट, इम्बैलेंस डेटा सेट क्या होता है, जब आपके पास जो क्लासेस होती हैं, मान लो अगर आपके पास दो क्लासेस हैं यस और नो, उन दोनों का रेशो बराबर नहीं होता। मान लो आपके पास यस में 900 पॉइंट्स है और नो में सिर्फ 100 पॉइंट्स है, तो ये एक सिनेरियो है जहां पे आपका डेटा इम्बैलेंस्ड है। तो इस तरह के सिनेरियो में क्या होता है कि आपका जो एक्यूरेसी है वो आपको बहुत गलत रिजल्ट देता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। सो लेट्स से आपको किसी ने बोला कि आपको एक मॉडल बनाना है जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी में एड होगा, और वो मॉडल का काम होगा स्नैपशॉट्स लेके, पैसेंजर्स का स्नैपशॉट लेके ये प्रिडिक्ट करना कि क्या वो पोटेंशियल टेररिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। मान लो ये मॉडल आपको बनाना है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो नॉर्मल पैसेंजर्स होते हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा होगा टेररिस्ट के कंपैरिजन में। प्रोबेबली 1,00,000 लोगों में या शायद उससे भी ज्यादा में कोई एक बंदा टेररिस्ट हो सकता है, मतलब 99999 लोग नॉर्मल पैसेंजर्स होंगे और सिर्फ एक बंदा टेररिस्ट हो सकता है, राइट। अब आपने क्या किया, आपने एक मॉडल बनाया और उस मॉडल में आपने सिर्फ एक लाइन लिख दिया कि हम किसी को भी टेररिस्ट नहीं बोलेंगे, हमारी नजरों में कोई टेररिस्ट नहीं है, दिस इज योर मॉडल। आपने कोई एल्गोरिदम नहीं लगाया, आपने सिर्फ ये बोल दिया कोई टेररिस्ट नहीं है। अब सोच के देखो, 99999 मतलब 99,999 लोग नॉर्मल पैसेंजर और एक बंदा टेररिस्ट है आपके डेटा सेट में, ठीक है। तो आपका मॉडल कितनी बार गलती करेगा, सिर्फ इसी एक बंदे के लिए तो गलती करेगा, सिर्फ इसी एक बंदे के लिए गलती करेगा। तो सोच के देखो एक्यूरेसी कितना होगा। या फिर अगर हम इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाए कि प्रिडिक्टेड और यहां पे एक्चुअल, ठीक है, 1 का मतलब टेररिस्ट है, 0 का मतलब टेररिस्ट नहीं है, ठीक है, और यहां पे 1 का मतलब टेररिस्ट है और 0 का मतलब टेररिस्ट नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, टेररिस्ट है और आपके मॉडल ने बोला टेररिस्ट है, ऐसा एक भी बंदा नहीं है। टेररिस्ट है और आपके मॉडल ने बोला वो बंदा टेररिस्ट नहीं है, ऐसा एक बंदा है। टेररिस्ट नहीं है और आपके मॉडल ने बोला कि वो टेररिस्ट है, ऐसा एक भी नहीं है। और टेररिस्ट नहीं है और आपके मॉडल ने बोला टेररिस्ट नहीं है, ऐसे इतने लोग हैं। तो अब अगर आप देखो इस पूरे कंफ्यूजन मैट्रिक्स के हिसाब से एक्यूरेसी निकालने का अगर आप ट्राई करो तो क्या होगा वो एक्यूरेसी, ये डिवाइडेड बाय चारों, सो 999999 डिवाइडेड बाय 99999 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, 99.999%। ये रहा आपका एक्यूरेसी, आपके मॉडल का एक्यूरेसी इज 99.999%, इट्स ऑलमोस्ट 100%। सो क्लियरली यू कैन सी इस तरह के केस में अगर आप एक्यूरेसी के ऊपर रिलाई करोगे तो आपको कभी भी ढंग के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और आपका मॉडल बहुत गलतियां करेगा। सो कभी कभी एक्यूरेसी इज नॉट द करेक्ट मेट्रिक टू बी यूज्ड, स्पेशली इन द केस ऑफ इम्बैलेंस डेटा सेट। तो यहां पर आपको दो नई चीजें पढ़नी पड़ेंगी और वो दो चीजें हैं प्रिसिजन एंड रिकॉल, वही हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे।